हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियन रेलवे बाय परविद में। आज हम आपको दिखाने वाले प्रतापगढ़ से बादशाहपुर दोहरीकरण का काम देखिए काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इस समय अपनी गाड़ी प्रतापगढ़ जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 3 से चल चुकी है। पैसेंजर गाड़ी है जिस ट्रेन से हम चल रहे हैं। शाम को 5 बजे छुटती है प्रतापगढ़ से बनारस के लिए। ये BL गाड़ी है, हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर रुकते हुए चलते। हम आपको बादशाहपुर तक सभी छोटे बड़े प्लेटफॉर्म दिखाने वाले हैं। देखिए अपनी गाड़ी अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली, प्रतापगढ़ जंक्शन से हम लोग डिपार्चर ले लिए। देखिए मट्टी पड़ने का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। देखिए मट्टी को बैठा दी भी दिए हैं रोलर की मदद से। देखिए काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है प्रतापगढ़ से बादशाहपुर के बीच में। देखिए मट्टी डालने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए आपको दिख रहा है रोलर की मदद से इसे बैठा दिए पूरा। बरसात भी हुआ था, देखिए मट्टी बैठ भी गया है। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा प्रतापगढ़ से बादशाहपुर के बीच में दोहरीकरण का। इस समय देखा जाए बकुलाही पुल के पास काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। JCB की मशीन से सब जितने पेड़ पौधे हैं सबको काटा जा रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहें। वीडियो को अंत तक जब देखें आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये हमें अच्छा नहीं लगता। लाइक करके ज़रूर जाया करें। आप लोग ने पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन और गौरा रेलवे स्टेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिए। इसके बाद हम आपको जंघई से जौनपुर तक पूरा वीडियो डबलिंग का बनाकर अपलोड करेंगे। देखिए अच्छी खासी अपनी गाड़ी स्पीड पकड़ लिया है। देखिए तार घेर दिए हैं एक लाइन से, ये भी सब कटेंगे जो आपको दिख रहे हैं। देखिए JCB की मदद से यहाँ पर काम चल रहा है। देखिए पूरे सरपत काटे जा रहे हैं और मट्टी डाला भी जा रहा है। देखिए हम लोग बकुलाही पुल के पास पहुंच गए हैं। देखिए बकुलाही पुल पे काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। देखिए साइड साइड लिंटर का काम हो चुका है। देखिए बकुलाही पुल हम लोग क्रॉस कर दिए हैं। आपको 360 एंगल में दिखा रहे हैं जना पूरा आपको दिखे। देखिए मट्टी डालने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बाउंड्री टाइप में बनाया जा रहा है क्योंकि जना बरसात के महीने में मट्टी भसके ना। देखिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट करिए और जल्द से जल्द आप लोग 10K जरूर करिए, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आपको हम पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन के पास मिलते हैं। पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन का काम काफ़ी ज़ोरों तोरों से चल रहा है। ये प्लेटफार्म नंबर 2 है पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन का। आप लोग ने पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन ज़रूर देखें। देखिए हम लोग पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रहे हैं। देखिए पत्थर ढलैया का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है इस समय पृथ्वीगंज स्टेशन पर। देखिए काम चल रहा है, काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। हम लोग पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले चुके हैं। देखिए यहाँ पर गिट्टी और 60 KG के पत्थर काफ़ी रखे गए हैं, आपको दिख रहा है। काम काफ़ी ज़ोरों तोरों से चल रहा है। आगे बाउंड्री टाइप में किया जा रहा है, अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए साइड में तार घेरे जा रहे हैं, आपको दिख रहा है सामने। देखिए आगे बाउंड्री टाइप में किया भी जा रहा है, अभी हम आपको दिखाते हैं। सुनने में आ रहा है 19 तारीख के बाद कुछ ट्रेनें डाइवर्ट किए जाएंगे। 19 सितंबर से कुछ ट्रेन डाइवर्ट किए जाएंगे। देखिए बाउंड्री टाइप में बनाया जा रहा है, आगे भी गिट्टी रखा गया। काम काफ़ी ज़ोरों तोरों से चल रहा है और देखिए तार एक लाइन से घेर दिए हैं पूरा। गौरा रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया है तार, क्योंकि खंभे गाड़ेंगे तार घेरने में टाइम तो लगेगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब आगे एक पुलिया पड़ने वाला है, वहाँ मट्टी डालने का काम पूरा कम्प्लीट कर दिए हैं। पुलिया से माँ बराही देवी दादूपुर तक मट्टी डालने का काम काफ़ी ज़ोरों तोरों से चल रहा है। अच्छी खासी ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ ली है। माँ बराही देवी से दादूपुर बोलते हैं अपनी गाड़ी का। प्रतापगढ़ के बाद पृथ्वीगंज, फिर माँ बराही देवी, गौरा, सुवंसा, तब बादशाहपुर स्टॉप है। पैसेंजर गाड़ी है। देखिए बरसात के महीने में भी काम चल रहा है। देखिए अभी आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आप लोग वीडियो पर बने रहें। देखा जाए गौरा रेलवे स्टेशन पे काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखें। माँ बराही देवी प्लेटफॉर्म नंबर 2 बनाया जा रहा है।
देखिए काम चल रहा है काफ़ी तेज, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो पे बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए मिट्टी डाला जा रहा है, पुलिया बनाया जा रहा है इस समय। देखिए छोटे बड़े जितने भी पुलिया हैं उसका काम चल रहा है। सुवनसम में भी पुलिया बनाया जा रहा है, अभी आपको दिखाएंगे, आप लोग वीडियो पे बने रहें। देखिए यहाँ पे दो नंबर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, माँ बराही देवी जिसे दादूपुर बोलते हैं, यहाँ पे दो नंबर प्लेटफॉर्म रहेगा जो आप देख रहे हैं। काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जाएगा, दो नंबर। देखिए काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से माँ बराही देवी में। अभी यहाँ आपको दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नंबर एक दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक प्लेटफॉर्म रहेगा, जहाँ वो लास्ट तक आप वाइट घर देख रहे हैं वहाँ तक प्लेटफॉर्म रहेगा। ये एक नंबर है, देखिए यहाँ बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं और पत्थर की ढलैया यहाँ पे हो रहा है। अब सीधे हम आपको यहाँ से डिपार्चर लेने के बाद मिलते हैं, आप लोग वीडियो पे बने रहें। देखिए माँ बराही देवी से हम लोग डिपार्चर ले लिए हैं। देखिए एक लाइन से तार घेरा गया है गौरा रेलवे स्टेशन तक। देखिए डबलिंग के लिए यहाँ पे जगह छोड़ा भी गया है। देखिए आप लोग गौरा रेलवे स्टेशन तक तार पहुँच गया है घिराई के जो आप देख रहे हैं। छोटे बड़े पुलिया बनाए भी जा रहे हैं रास्ते में। सुवनसा से पहले जो एक बड़ा पुलिया है अभी उसका काम नहीं चल रहा, हम आपको वीडियो में पहले ही बता दे रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। देखिए अच्छी खासी ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ ली, हम सीधे गौरा रेलवे स्टेशन पर आपसे मिलते हैं। देखिए गौरा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर दो बनाया जा रहा है, काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है गौरा रेलवे स्टेशन पे। आप लोग ने गौरा रेलवे स्टेशन नहीं देखा है, लिंक मिल जाएगी, एक बार गौरा रेलवे स्टेशन ज़रूर देखें। देखिए एक नंबर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर पुलिया भी रहेगा। देखिए गौरा रेलवे स्टेशन पे सामने 60 केजी के पत्थर और गिट्टी लाकर रखे गए हैं। देखिए पत्थर की ढलैया यहाँ पे किया जा रहा है, सामने आपको दिख रहा है। यहाँ से मेरे हिसाब से शायद पुल रहेगा जो आप सामने देख रहे हैं, खंभे टाइप में पावे। देखिए गौरा रेलवे स्टेशन पे पुरानी बिल्डिंगें तोड़ उठी हैं, थोड़ा ही बचा है, नए बिल्डिंगें बहुत अच्छे बनाए रहे हैं गौरा रेलवे स्टेशन पर। देखिए नए बिल्डिंग बहुत अच्छे बना रहे हैं गौरा रेलवे स्टेशन पर। देखिए सामने आपको दिख रहा है ये नए बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, पुराने बिल्डिंग तोड़े जाएंगे। देखिए आपको हम गौरा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले चुके हैं। देखिए अब अपनी गाड़ी का स्टॉप सुवनसा रेलवे स्टेशन पर है। देखिए इधर डबलिंग रहेगा, इधर मिट्टी काफ़ी पड़ेगा, हम आपको बता दें सुवनसा से लेके गौरा के बीच में पुलिया बड़ा भी है और मिट्टी काफ़ी हद तक पड़ेगा यहाँ पर। देखिए जो भी काम काफ़ी जोरों तोरों से चल रहा है वो माँ बराही देवी से प्रतापगढ़ के बीच में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है देखा जाए। देखिए मिट्टी काफ़ी अधिक पड़ेगा, हम आपको पुलिया दिखा दें जो आप लोग बोलते हैं भैया पुलिया नहीं दिखाते। देखिए हम आपको पुलिया दिखा रहे हैं, देखिए काफ़ी बड़ा पुलिया ये है। देखिए अभी यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा, हम सीधे सुवनसा रेलवे स्टेशन पे आपसे मिलते हैं। देखिए यहाँ पे पुलिया बनाया जा रहा है, यहाँ पे भी दो प्लेटफॉर्म रहेगा सुवनसा रेलवे स्टेशन पर। सुवनसा रेलवे स्टेशन पे नए बिल्डिंगें भी बनाए जा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं एक नंबर पर। देखिए पुराने बिल्डिंग भी तोड़े जाएंगे, आगे की तरफ नए बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं सुवनसा रेलवे स्टेशन पर। बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर मिट्टी डालने का काम प्रारंभ हो चुका है। देखिए सामने काम चल रहा है सुवनसा रेलवे स्टेशन पर। देखिए सुवनसा रेलवे स्टेशन में नए बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, बरसात की वजह से अभी काम रुका हुआ है। यहाँ का भी प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा बनाया जाएगा सुवनसा रेलवे स्टेशन पर। अब हम सुवनसा रेलवे स्टेशन सीधे आपको बादशाहपुर मिलते हैं, डिपार्चर ले लिए हैं। देखिए अच्छी खासी स्पीड में अपनी गाड़ी इसमें सुवनसा रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद चल रही है। देखा जाए बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मिट्टी डालने का काम प्रारंभ हो चुका है, हम सीधे आपसे बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर अब मिलते हैं। देखिए सामने हम लोग बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। देखिए
हम आपको लास्ट में मिलते हैं जहाँ मिट्टी डाला जा रहा है। देखिए सामने, देखिए मिट्टी डाला जा रहा है। ये देखिए प्लेटफॉर्म पर एक नंबर पे काम प्रारंभ हो चुका है। गिट्टी भी लाकर रखा गया और सरिया भी, काम चालू हो चुका है बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर। आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद आपको जंघई से जौनपुर तक वीडियो देखने का मिलेगा। आप लोग टेन के जरूर करें, जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।